हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो गेट जी एस एम रिपेयर। दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो बना रहा हूँ और हम लोग का जो UFI का जो ट्रेनिंग चल रहा था, पार्ट 5 में एंड हो गया था। तो अगले संडे को आपको इसका पार्ट 6 मिलेगा। और दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक ये है एक्सेमेटिक्स हार्डवेयर टूल के बारे में। आपने नाम सुना ही होगा इसका, बॉर्नियो सेमेटिक्स टूल। और आज के डेट में ये टूल काफ़ी फेमस हो रहा है। तो इसके लिए मैं आप सभी के लिए ये टूल कहाँ से परचेस करना है और इसका रिव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल का घंटी दबा दीजिए ताकि अगले नोटिफिकेशन का वीडियो आपको मिलता रहे। तो इसके लिए मैंने पहले गूगल पे सर्च करते हैं बॉर्नियो सेमेटिक्स टूल। बॉर्नियो सेमेटिक्स टूल सर्च करते हैं, पहले आपको यहाँ पे इसका फेसबुक का पेज शो हो रहा है और सेकंड वाला यहाँ पे शो हो रहा है इसका वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं पहले बॉर्नियो सेमेटिक्स टूल डॉट कॉम पे अंदर, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बॉर्नियो सेमेटिक्स टूल पावर्ड बाय बॉर्नियो प्लासर। और ये एक्चुअली टूल डेली अपडेट देता है, कोई ना कोई मॉडल के ऊपर डेली इसका सेमेटिक्स अपडेट आता है, नहीं तो हार्डवेयर सॉल्यूशन अपडेट आता है। मतलब डेली का डेली एक अपडेट आता है और इसका ट्रायल भी आप ले सकते हो। इसका मेन टैब में आप देख सकते हो यहाँ पे डेमो एंड ट्रायल के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका जो मेन सेटअप है जो पेड वाला है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ट्रायल के लिए आप इस टैब में जाइएगा और डाउनलोड आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेड वाला वर्जन चाहिए तो यहाँ पे डाउनलोड एप्स इस टैब में जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं डेमो के लिए पहले देख लेता हूँ। डेमो एंड ट्रायल टैब में जाता हूँ। यहाँ पे डेमो वर्जन फॉर बॉर्नियो सेमेटिक्स, यहाँ पे लिंक डाला गया है जो बॉर्नियो डेमो वर्जन सेटअप इंस्टॉल सेटअप टू ड्राइव सी। आपको सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल करना है और आपको पासवर्ड मिलेगा यहाँ पे डेमो, और यूजर नेम भी है इसका यहाँ पे मिलेगा डेमो। तो चलिए मैं आपको एक बार डेमो वर्सन भी चेक करा देता हूँ और उसके बाद पेड वाला वर्सन भी आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए, डेमो वाला मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। यहाँ से गूगल ड्राइव का लिंक है ये, डाउनलोड एनीवेयर। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। तो चलिए, मेरा अभी ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं इसको करता हूँ एक्सट्रैक्ट। चलिए, ये वाला हमारा सेटअप है तो इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल ऑटोमेटिकली ये सी ड्राइव पे सिलेक्ट हो गया है। अगर किसी का नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जाके वो ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे माई पीसीस के अंदर आपको ड्राइव सी नज़र आ रहा है होगा, और यहाँ पे ओके कर देना है। और यहाँ पे चाहो तो आप फोल्डर भी बना सकते हो, नहीं तो ये एक्सट्रैक्ट जब होगा ऑटोमेटिकली फोल्डर बन जाएगा, क्योंकि मेरा पहले से फोल्डर यहाँ पे क्रिएटेड है। तो मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट बॉर्नियो सेमेटिक्स और करता हूँ एक्सट्रैक्ट। पहले से मेरा इंस्टॉल था इसीलिए मैं येस टू ऑल करूँगा इसको। ये मेरा हो गया है अभी। तो चलिए मैं सी ड्राइव पे जाता हूँ। सी ड्राइव पे यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉर्नियो सेमेटिक्स टूल। मैं लार्ज व्यू कर देता हूँ, ये वाला मेरा टूल है जो डेमो वर्सन है। तो मैं अभी इसको करता हूँ ओपन। चलिए, उससे पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लूँ क्योंकि आपको दिखने में फिर आसान। चलिए, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा डेमो वाला डेमो और पासवर्ड पे डाल देता हूँ डेमो। चलिए मैं इसको करता हूँ लॉगिन। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है इसका डेमो वर्सन। तो चलिए, डेमो वर्सन में क्या क्या इसका फीचर्स दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। टूल को थोड़ा बढ़ा देते हैं जैसे इसको क्लियर दिखे। चलिए, मेरा हो गया है।
अभी फर्स्ट में आपको दिख रहा है बोर्नियो सेमेटिक्स एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो पहले टैब में राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है बीट मैप्स और हार्डवेयर सॉल्यूशन और सेमेटिक्स। ठीक है, बीट मैप क्या होता है दोस्तों? बीट मैप होता है पीसीबी लेआउट, जो पूरा पीसीबी का लेआउट आपको सामने होगा और पीसीबी आप जहाँ पे क्लिक कीजिएगा वो पॉइंट कहाँ कहाँ जा रहा है इसको बोलता है बीट मैप। और हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या होता है? हार्डवेयर सॉल्यूशन होता है जैसे कि आपका ट्रैक लाइन, किसी भी ऑडियो का सेक्शन हो गया, माइक का सेक्शन हो गया, कोई भी सेक्शन का जो ट्रैक लाइन होता है कहाँ से वोल्टेज जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है इसका ट्रैक लाइन। चलिए हार्डवेयर सॉल्यूशन यहाँ पे दिखा रहा है और सेमेटिक्स दिखा रहा है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं बीट मैप। बीट मैप पे दिया हुआ है हवाई। हवाई का बहुत सारा मॉडल है, आप देख सकते हो। मैं नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो या खुद आप इंस्टॉल करके भी देख सकते हो। और आईपैड का दिया हुआ है, आईफोन का दिया हुआ है, आईफोन का तो बहुत सारा मॉडल है इसमें, और शाओमी का दिया हुआ है। चलिए शाओमी का किसी एक मॉडल को मैं देख लेता हूँ, जैसे कि अभी जो चल रहा है नोट 8 या 6A निकाल लेता हूँ। ठीक है, 6A का जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जूम करने का ऑप्शन है, मैं आपको बता दूँ। माउस का राइट क्लिक कीजिएगा और स्क्रॉल नीचे कीजिएगा, मतलब माउस को पीछे लाइएगा तो जूम आउट होगा, और माउस का राइट क्लिक करके फिर ऊपर लाइएगा तो इसका जूम इन होगा। ये इसका जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ और देख सकते हो बीट मैप का काम यही होता है। मान लीजिए आपका ये वाला कॉइल का कनेक्शन कहाँ कहाँ जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। हम यहाँ पे क्लिक किया, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाला कनेक्शन मेरा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से होके यहाँ तक, मतलब जितना सारा रेट आपको दिख रहा है तो ये वाला इसका जो पॉइंट है इतने इतने जगह पे ये जा रहा है। ठीक है, दूसरा ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी आ रहा है। तो चलिए ये वाला तो हो गया मेरा बीट मैप का काम। चलिए हार्डवेयर सॉल्यूशन में उसी सेट का देख लेता हूँ, मैंने क्या किसका देखा था, 6A का। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन का बस 6A का देख लेते हैं, MI 6A का हार्डवेयर सॉल्यूशन 7 6A। हाँ 6A में देख सकते हो यहाँ पे PDF फाइल दिया हुआ है, स्पीकर माइक और स्पीकर का जो इशू आ रहा है इसका वो अभी नहीं शो कर रहा है क्योंकि आपका अवेलेबल इन फुल वर्सन। ये मेरा डेमो वर्सन चल रहा है, मैं आपको फुल वर्सन पे भी दिखा देता हूँ ये हार्डवेयर सॉल्यूशन इसका क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी चलते हैं इसी मॉडल का, मैंने अगर सेमेटिक्स देखना है तो मैं जाता हूँ इसका 6A। चलिए यहाँ पे 6A देख लेते हैं, 6A पीसीबी लेआउट। चलिए ये भी आपको मिलेगा फुल वर्सन में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं फुल वर्सन में क्या है, एक बार फुल वर्सन को भी रजिस्टर करके देख लेते हैं, और फुल वर्सन आपको परचेस कहाँ से करना है और इसका रजिस्ट्रेशन भी कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए उसके लिए फिर से मेरे को बोर्नियो सेमेटिक्स के मेन वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे डाउनलोड एप्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वाला जो इसका अपडेट दिया हुआ है 3/12/2020 को। ठीक है, 3/12/2020 को यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है और यहाँ पे दो लिंक यहाँ पे दिखा दिया, लिंक 1 है लिंक 2 है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसको एक लिंक पे जाके डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले लास्ट वाला या फर्स्ट वाला लिंक को जाता हूँ। फर्स्ट वाला जो लिंक है इसका ये गूगल ड्राइव का लिंक है, तो चलिए इसको एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। इसका वर्सन दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, वर्सन 2.0.2.0। ठीक है, तो इसका हम कर लेते हैं डाउनलोड, डाउनलोड एनीवेयर कर लेते हैं, सेव, ओपन फोल्डर कर लेते हैं इसको। अभी इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरा फोल्डर का जो फोल्डर जहाँ पे शो हो रहा था जो सी ड्राइव पे वही पे है अभी, तो मैं करता हूँ इसको एक्सट्रैक्ट और yes to all कर देता हूँ। तो चलिए मैं दोबारा से सी ड्राइव खोल लेता हूँ इसको, बोर्नियो बोर्नियो सेमेटिक्स इसको हम ऑन करते हैं।
हम लोग तो डेमो वाला वर्सन देख लिया था, अभी हमको ये वाला पेड वाला वर्सन को लॉगिन करना है। एक्चुअली मेरा यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं इसको लॉगिन नहीं करूँगा, पहले मैं इसको रजिस्टर करता हूँ। ठीक है, रजिस्टर आप किसी भी नाम पे कर लीजिए, जैसे कि मैं अभी करता हूँ गेट GSM और मेल डाल देता हूँ। और मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और पासवर्ड आप कहीं भी डाल सकते हो। ये यहाँ पे पासवर्ड लेगा 10 अंकों का, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 0 1 2, कोई भी डाल दीजिए। हाँ, लास्ट में जो आपको दिखा रहा है एक्टिवेशन कोड, ये कोड आपको परचेस करना है। जब भी परचेस कीजिएगा, कहाँ से परचेस कीजिएगा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमको जाना होगा गूगल पे। परचेस करने के लिए दोस्तों आपको खाली गूगल पे GETGSM.in टाइप करना है, और यहाँ पे आपको शो होगा GETGSM.in का पूरा वेब पेज का लिंक यहाँ पे शो होगा, और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका प्ले स्टोर वाला जो एप्स है ये वाला भी आपको नीचे दिखाएगा। ठीक है, तो आप एप्स के माध्यम से भी इसको परचेस कर सकते हो या वेबसाइट के थ्रू भी परचेस कर सकते हो। चलिए मैं दोस्तों दिखा देता हूँ पहले आपको प्ले स्टोर वाला, ये मेरा एप्लीकेशन है। तो आप प्ले स्टोर में जाइए, गेट GSM सर्च कीजिए, देख सकते हो यहाँ पे बॉर्नियो सेमेटिक्स डायग्राम टूल विद बीट मैप और PCB व्यूअर। तो आपको यहाँ पे परचेस करने के लिए डालना होगा आपका पहला मोबाइल नंबर और आपका दूसरा ईमेल आईडी। तो मोबाइल नंबर हम डाल लेते हैं 8695864141, और ईमेल आईडी हम डाल देते हैं ठीक है। तो चलिए और इसके ऐड कार्ड कर लेते हैं हम एक बार, मेरा ये कार्ड पे आ गया है बॉर्नियो टूल्स। लेकिन व्यूअर्स के लिए मैंने एक डिस्काउंट यहाँ पे छोड़ के रखा हूँ, आपको लास्ट में आपको शो होगा बॉर्नियो सेमेटिक्स हार्डवेयर टूल्स 199 का ऑफ है। ये वाला आपको कूपन कोड डालना है BOR2020GET। तो जब भी आप कोड डालिएगा तो इसका जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग आपको कम शो होगा। चलिए यहाँ पे तो मेरा ऐड कार्ड हो गया है, अभी इसका प्राइस है 4899 रुपया मैंने रखा है, इसका मार्केट में यही प्राइस में आपको मिलेगा। लेकिन व्यूअर्स के लिए मैंने एक कोड डाल के रखा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे कोड डालिएगा BOR2020GET, हम लोग डेमो वर्जन में क्या देखा था, कुछ कुछ हार्डवेयर सॉल्यूशन जैसे कि 6A का देखा था मैंने, तो उसका फुल वर्जन में शो करेगा ऐसा बोल के दिया था। चलिए इसका भी एक बार देख लेते हैं, 6A का लाइट प्रॉब्लम, इसका PDF फाइल है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा जब आपका पास पूरा का पूरा इसका लाइट का सेक्शन शो होगा। तो इसके लिए आपको जूम, यहाँ पे जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जूम कर सकते हो, या नीचे से आप पूरा डायरेक्टली आपको यहाँ से 200 300 जितना जूम करना है आप जूम कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे इतना सा जूम दिया है, आपको बिल्कुल आसान होगा, इतना जूम कर दिया देख नहीं रहा है यहाँ पे। तो चलिए इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं 200 में रखता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे पूरा लाइट IC से कौन सा पॉइंट डिस्प्ले कनेक्टर में किस पॉइंट पे जा रहा है, और जो जो कलर है नीचे कलर का पूरा मेंशन दिया हुआ है, LCD का 1 वाला 2 वाला, और PWM पावर जो है LCD LED का जो आपका ए वाला कनेक्शन होता है वो कौन सा कलर पे, रेड कलर पे है। तो हम लोग का जो प्लस वाला पॉइंट है वो एक्चुअली आ रहा है यहाँ पे रेड पोर्ट पे, मतलब नंबर 1 पिन पे आ रहा है। तो इस लाइन यहाँ से होकर यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ से होकर रेजिस्टेंस में होके कैपेसिटर में होके कॉयल पे होके फिर IC के जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा हार्डवेयर सॉल्यूशन का जो ट्रैक लाइन है आपको पूरा दिखाया गया है। तो सेमेटिक्स भी एक बार देख लेते हैं इसका, और साओमी साओमी का 6A,
चलिए दूसरा सीख से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें बहुत सारा मॉडल है, एक बार देख लीजिए आराम से, मैं दिखा रहा हूँ आपको। शाओमी का बहुत सारा है मॉडल, इतना तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन बहुत सारा है इसमें। K20 Pro भी है और 6A 5A। आप चाहे तो एक बार डेमो वाला वर्जन पहले इंस्टॉल करके देख लीजिएगा, उसके बाद परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं 6A का एक बार सेमेटिक्स देख लेता हूँ। एक बार डायग्राम वो भी PDF फाइल के अंदर ही है, देख सकते हो। यहाँ पे मेन CPU का पूरा सेमेटिक्स दिया हुआ है। और नीचे जाइएगा, मतलब जो सेमेटिक्स होता है पूरा सेमेटिक्स इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है। और इसका बीट मैप तो मैंने पहले भी आपको एक बार दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। बीट मैप के लिए Xiaomi 6A बीट मैप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपका कुछ इशू आ गया, कुछ कॉइल का, कुछ कनेक्शन का आपको पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। पहला वाला जो मेरा पावर का लाइन है वो यहाँ तक आ रहा है, इस रेजिस्टेंस के इस तरफ आ रहा है। अगर दूसरी पॉइंट पे हम क्लिक करें तो इसका यहाँ तक आ रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर क्लिक कीजिएगा तो ये वाला कनेक्शन यहाँ तक, यहाँ से आ रहा है कैपेसिटर के यहाँ तक, कॉइल से होके, कॉइल के होके यहाँ तक, और ICs के इस पॉइंट पे आ रहा है, और ये वाला पॉइंट भी यहाँ तक। मतलब बीट मैप ऐसे ही शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ बहुत कुछ हेल्प मिलेगा इससे हार्डवेयर रिलेटेड। आप चाहे तो इसका डेमो एक बार ले सकते हो, डेमो वाला डाउनलोड करके देख सकते हो, उसके बाद परचेस कर सकते हो। बता दूँ फिर से एक बार दोस्तों, 20 तारीख तक ये ऑफर चल रहा है, ठीक है, खाली अपना व्यूअर्स के लिए। तो चाहे तो आप जाके विजिट कर सकते हो और इसको परचेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार, दूसरा कोई मॉडल है ओप्पो का, एक बार देख लेता हूँ ओप्पो का अंदर कौन सा दिया हुआ है। मैं पहले से एक बार सबको दिखा रहा हूँ, बीट मैप हुआई, हुआई का कौन सा मॉडल है आप एक बार देख लीजिए। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, पूरा मॉडल देखने के बाद अगर आपको पता चले जहाँ ये लेना चाहिए तो आप ले सकते हो आराम से। हार्डवेयर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। ओप्पो का बहुत सारा मॉडल दिया है, ओप्पो का लेटेस्ट वाला मॉडल Reno 3 Pro भी आ गया है, आप देख सकते हो। Reno 3 Pro का भी लेआउट दे दिया यहाँ पे बीट मैप पे, देख सकते हो। मतलब ये टूल बहुत काम कर रहा है, डेली कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा है। आज के डेट में ये भी बहुत कुछ अपडेट दिया था। और सैमसंग का भी एक बार देख लीजिए, सैमसंग का A505 दिया है, 507, बहुत सारा कुछ दिया है। इसका लाइट प्रॉब्लम, हैंड स्पीड प्रॉब्लम, बैक कैमरा प्रॉब्लम, बहुत कुछ। मतलब हार्डवेयर्स के लिए आपको परफेक्ट टूल मिल गया है। एक्चुअली बीट मैप जब नहीं था, कुछ खाली खाली रख रहा था ये वाला टूल, लेकिन बीट मैप देने के बाद ये टूल पूरा भर गया है। अब चाहे तो इसको परचेस कर सकते हो और डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले संडे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कोशिश करता हूँ, हमारा जो UFI का ट्रेनिंग चल रहा था वो Part 5 में ख़त्म हो गया था, तो कोशिश करता हूँ Part 6 जल्द से जल्द ला दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा भाई को कमेंट था जो भाई सर आपने वीडियो बनाना बंद क्यों किया। कुछ रीजंस के वजह से वीडियो बनाना बंद हो गया था मेरा, क्योंकि आप लोग जानते हो मेरा एक साइड भी चल रहा है तो ऐप्स भी चल रहा है, तो दोनों के वजह से थोड़ा डिले हो गया था वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हर हफ्ते आपको संडे के दिन एक वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।